हम अक्सर सुनते हैं और पढ़ते हैं कि हत्या के मामले में अदालत ने आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुजरिम को हत्या का दोषी पाया है। ऐसे में दोषी को सजाए मौत या फिर उसे उम्र कैद की सजा दी जाती है। सन 1983 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मुजरिम को फांसी की सजा दी जाएगी, यानी कि उन्हीं मामलों में जो बेहद घिनौने हो, जो अपराध इतनी क्रूर हो जिनके लिए कोर्ट को लगे कि फांसी के नीचे इनकी सजा कम होगी। एग्जाम्पल के लिए 2012 में निर्भया गैंग रेप और मर्डर केस। जानिए मुजरिम को फांसी की सजा देने में क्या प्रोसेस होता है। जब फांसी की सजा फाइनल हो जाती है तो इंतजार होता है डेथ वारंट का। यदा याचिका रिजेक्ट हो जाने के बाद ये डेथ वारंट कभी भी आ सकता है, चाहे एक हफ्ता, महीना, कई महीना और साल भी लग सकते हैं। उस डेथ वारंट में फांसी की तारीख और समय लिखा होता है। मृत्यु दंड वाले कैदी के साथ आगे की कार्यवाही जेल मैनुअल के हिसाब से होता है। हर राज्य में अपना अलग अलग जेल मैनुअल्स होता है और इन जेल मैनुअल्स में सारी बातें लिखी होती है। डेथ वारंट जारी होने के बाद कैदी को बता दिया जाता है कि फांसी होने वाली है। किसी कैदी की डेथ वारंट जारी होने के बाद जेल सुपरिटेंडेंट को प्रशासन को इसकी जानकारी देनी होती है। यदि कैदी किसी जेल में बंद है जहां फांसी की सजा का अरेंजमेंट नहीं है तो डेथ वारंट जारी होने के बाद कैदी को दूसरी जगह शिफ्ट कर दी जाती है। नए जेल में आते ही कैदी की पूरी चेकिंग की जाती है। बाकी कैदियों से उसे अलग सेल में रखा जाता है। ये सेल 24 घंटे एक गार्ड की निगरानी में होता है। दिन में दो बार इस कैदी की तलाशी ली जाती है। सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट या मेडिकल ऑफिसर कैदी की खान पान की जांच करते हैं। बेहद सावधानी बरती जाती है ताकि कैदी किसी प्रकार की आत्महत्या न कर सके। सामान्य परिस्थितियों में कैदी के परिवार को फांसी से 10 से 15 दिन पहले सूचना दे दी जाती है ताकि आखिरी बार परिवार वाले आकर उससे मिल सकें। फांसी देने के लिए मनीला रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। इस रस्सी की सारी डिटेल मैनुअल में लिखी होती है। फांसी में एक हफ्ते पहले सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में इस रस्सी को चेक किया जाता है। चेक करने के बाद रस्सी को सुरक्षित लॉकअप में रख दिया जाता है। जिन जेलों में फांसी दी जाती है वहाँ कम से कम 2 रस्सी मेंटेन करके रखी जाती है। फांसी का टाइम महीनों के हिसाब से अलग अलग होता है। सुबह 5, 6, 7 या 8 बजे के अंदर, लेकिन ये वक्त हमेशा सुबह का ही होता है और कैदी को फांसी दी जानी होती है। फांसी से कुछ मिनट पहले सुपरिटेंडेंट जाकर कैदी को फांसी के जगह पर लेकर आते हैं। उनके साथ कुछ गार्ड्स भी होते हैं। फांसी के वक्त जल्लाद के अलावा 3 अधिकारी को होना जरूरी होता है, जेल सुपरिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर और मजिस्ट्रेट। सुपरिटेंडेंट फांसी से पहले मजिस्ट्रेट को बताते हैं कि मैंने कैदी की पहचान कर ली है और उसे डेथ वारंट पढ़कर सुना दिया है। डेथ वारंट पर कैदी की साइन होना जरूरी होता है और अब आगे का काम जल्लाद का होता है। जल्लाद कैदी के मुंह पर काला कपड़ा डालकर उसके गले में फंदा लगाता है और इसके बाद लीवर खींच देता है। लीवर खींचने के लगभग आधे घंटे बाद लास्ट को फंदे से उतारा जाता है। वजन के हिसाब से रस्सी की लंबाई फिक्स की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि झटके से गर्दन और रीढ़ की हड्डी टूट जाए। लेकिन उसे फंदे से तभी उतारा जाता है जब मेडिकल ऑफिसर उसकी मौत की पुष्टि कर दे। मौत की पुष्टि के बाद मजिस्ट्रेट, मेडिकल ऑफिसर और सुपरिटेंडेंट तीनों डेथ वारंट पर साइन करते हैं और इसके बाद डेथ वारंट को कोर्ट में वापस जमा करना होता है। और दोस्तों बता दें कि आपको लास्ट बार फांसी निर्भया केस के 4 दोषियों को एक साथ दी गई है। दोस्तों ये थी फांसी देने की पूरी प्रक्रिया। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।